नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। रविवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में चुनावी जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल हमने बनवाए हैं, जिसमें बच्चों को बस घर ले जाने भी जाएगी और छोड़ने भी जाएगी। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अपने भांजे और भांजियों को हम लैपटॉप तो दे ही रहे हैं और अच्छे नंबर लाने पर स्कूटी भी दे रहे हैं। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ने तो मेरी साइकिल भी छुड़ा ली और लैपटॉप भी, पर आप चिंता ना करें, शिवराज मामा आपको लैपटॉप और स्कूटी भी देगा और साथ में उच्च शिक्षा भी देगा। सागर के रहली विधानसभा क्षेत्र में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह कहते हैं कि मैं 1,00,000 युवाओं को रोजगार दूंगा, तब मैंने उनसे कहा था कि आप 1,00,000 छोड़िए, जो बैकलॉग और रिक्त पद पड़े हैं उन्हें भर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि आपको शिवराज जी की नियत को समझना होगा। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 2,500 घोषणा करने का काम किया है और चुनाव के समय उनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड से काम कर रही है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी, लेकिन शिवराज सिंह परेशान मत हो, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप मुंबई जाएं और एक्टिंग करें और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपका तो मुंबई में भी रोजगार पक्का है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र तोमर ने आज ग्वालियर में बीजेपी के संकल्प पत्र पर पत्रकारों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति मजहब के आधार पर देश नहीं चलता है, सबका साथ सबका विकास बीजेपी का यही मंत्र है और मैं समझता हूं जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको यही मंत्र अपनाना चाहिए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल एक पार्टी के नेता हैं और वो अपनी पार्टी का कैंपेन करने आ रहे हैं। डेमोक्रेसी में सभी को अपना कैंपेन करने का अधिकार है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बीजेपी से कांग्रेस में जाने वालों पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वैसे तो किसी व्यक्ति को किसी पार्टी में रहना है तो पूरी निष्ठापूर्वक रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार टिकट की महत्वाकांक्षा अपेक्षा रहती है। एक से अधिक चुनाव लड़ने वाले होते हैं लेकिन टिकट एक ही को दिया जा सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है। इस दौरान उन्होंने चंबर अंचल में सभी सीटें जीतने का दावा भी किया है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में उतरने की एक प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलती है। हम लोग चुनाव के समय बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के कार्यक्रमों की आयोजना करते हैं और एक जन आशीर्वाद यात्रा का भी आयोजन करते हैं। ग्वालियर शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर गोलपाड़ा बालाजी धाम के चरण सेवक जगबीर दास तोमर ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए लोगों से सही उम्मीदवार को चुनने और राजनीति के लिए संबंध नहीं खराब करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि आजकल के जनप्रतिनिधियों में स्वाभिमान नहीं बचा है, वो अपना फायदा देखते हुए तुरंत दल बदल लेते हैं, इसलिए मतदाताओं को इन नेताओं के चक्कर में आपसी संबंधों को खराब नहीं करने चाहिए और परस्पर प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखना चाहिए। जहां लड़ना शब्द होता है या लड़ाना शब्द होता है, वहां हम जैसे सेवक को कोई भाग नहीं लेना चाहिए और ना ही मैं भाग लेता हूँ ये मंदिर के सेवक के नाते। लेकिन मैं एक मतदाता भी हूँ, तो मतदाता होने के नाते मैं आम मतदाता से, आम जन से ये कहूँगा कि मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र है भारत में और मतदान अवश्य करें, चाहे किसी के पक्ष में करें चाहे किसी के विपक्ष में करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। मेरा इसमें एक विशेष तौर से कहना है कि हम और आप बेमनस्ता पाल लेते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, हमारे आपके संबंध स्थायी होते हैं, प्रेम संबंधित होते हैं, सामाजिक संबंधित होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, इन संबंधों पर कोई आँच ना आए। हमें आपको आपस में ना लड़ाई करनी है ना बैर करना है। क्यों? क्योंकि क्या नाम है, देखा गया है कि हमारे संभाग के माननीय विकास पुरुष कहे जाने वाले सिंधिया जी,
जो कि क्या नाम है, भाजपा के कार्यकर्ता से, समर्थकों से, मतदाता से, प्रत्याशी से हारे और हारकर वो भाजपा में आ गए। ग्वालियर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने का जो न्यायपालिका का फैसला है, फैसला उत्साहपूर्वक था और पूरे सनातन और हिंदू समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी है। ये न्यायपालिका का आदेश है, ना किसी पार्टी ने इस राम मंदिर को बनवाया है। ऐसा कोई नहीं है जो राम मंदिर बनने में सहयोग नहीं कर रहा हो। हमारे साधु संतों ने भी करोड़ों दान किए हैं, राम मंदिर हमारा दिल है। उन्होंने और सपा सांसद के बयान की निंदा भी की। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो वो उनका मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर बनने से देश की जनता और साधु समाज खुश है। कंप्यूटर बाबा ने राम मंदिर उद्घाटन में बिना बुलाए जाने पर सहमति जताई और कहा कि जब मंदिर का भूमि पूजन हुआ था तब चारों शंकराचार्यों में से किसी को नहीं बुलाया गया, इसका उन्हें दुख है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर के व्यवस्थापकों से अपील की कि मंदिर उद्घाटन में ऐसी गलती ना दोहराई जाए। कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी छोड़ने के सवाल पर कहा कि गौ माता और नर्मदा पर अच्छा काम नहीं कर पाई, इसलिए बीजेपी को छोड़कर 2018 में कांग्रेस की सरकार का सिस्टम बनवाया। कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अखंड सरकार बनाने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जनता की लहर कांग्रेस के साथ है और बीजेपी इस बार के सत्ता परिवर्तन को ना तो खरीद पाएगी और ना ही रोक पाएगी। नहीं देखिए, हम साधु संत हैं और हमें लगता है कि न्यायपालिका में जो साधु संतों को भरोसा था, आज जब राम मंदिर की बात आई और राम मंदिर का जब फैसला आया, न्यायपालिका ने हम लोग को जब भरोसा था और वास्तव में न्यायपालिका ने जो न्याय दिया वो उत्साहपूर्वक था, इसलिए जो है हम संत समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी, पूरा सनातन और हिंदुत्व में लहर दौड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है, जब हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और न्यायपालिका ने जो दिया है वो किसी ने ना गिराई है ना बनाई है, वो तो केवल उनने किया, इसीलिए पूरा जनता जना, मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई नहीं है, जिन हमारे साधु संतों से भी, संतों ने भी करोड़ों करोड़ रुपए दिए हैं, दान किए हैं राम मंदिर बनाने के लिए। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में पार्षद रेखा त्रिपाठी के मकान में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। इस दौरान मकान के ऊपरी हिस्से में रह रहे कुछ छात्र फंस गए, जिन्हें पास की दूसरे पार्षद की छत से होकर सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी। आशंका जताई जा रही है कि सीढ़ियों के बगल बिजली पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग भड़की थी। पार्षद रेखा त्रिपाठी वार्ड 18 से चुनी गई जनप्रतिनिधि है। वहीं बगल में वार्ड 62 के पार्षद का मकान है, उनकी छत पर सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर किराए से में रहने वाले छात्रों को निकाला गया था। आग में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, फिलहाल पार्षद के घर को काफी नुकसान हुआ है। ये क्या नाम, डीडी नगर गेट नंबर 2 महाराजपुरा गांव के सामने सूचना मिली कि उसमें आग लगी हुई है एक मकान में, उसमें 5 बच्चे भी फंसे हुए हैं। तो तत्काल मैंने डीडी नगर में ये गाड़ी हमारी रहती है उसी मौके पर उसे भेजा और एक गाड़ी यहाँ से और रेस्क्यू दल को यहाँ से रवाना कर दिया और मैं भी पहुँच गया था। तो वहाँ उनको बच्चों को भी निकाला गया ऊपर छत से, क्योंकि नीचे जहाँ आग लगी थी वहीं से जीना था, वहीं जाने के लिए रास्ता था। तो इसलिए तीसरी मंजिल पे ये लोग रह रहे थे, नीचे की दोनों मंजिल खाली थी, तो ऊपर लड़के किराए पे आराम से ऊपर छत पे बैठ सकें, पढ़ाई कर सकें, तो ऊपर ही रह रहे थे और तैयारी कर रहे थे वो क्या नाम है यहाँ पर। तो उनको सुरक्षित निकाला गया और कोई घटना नहीं हुई, केवल उसका पैनल बोर्ड और वो जला था, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पर एल्युमिनियम स्ट्रक्चर और उसका क्या नाम प्लास्टिक का वो मटेरियल था, तो इसलिए उससे धुआं बहुत निकला, तो इसलिए उसमें क्या नाम घुटन की स्थिति आ गई थी। अगर ये दूसरी मंजिल या पहली मंजिल पर होते तो बड़ा हादसा हो जाता। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से होश उड़ाने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक बार ट्रैफिक एरिया में बाइक को टक्कर मारने के बाद कई गाड़ियों को रौंदते हुए चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को समझ नहीं आया। वायरल वीडियो कलेना अग्रहरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो इतना खौफनाक है कि इसे देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा ले रहा है। आज के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।